दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्किल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कोई रिकॉर्डेड किया वीडियो नहीं है, ये हमारी लाइव क्लासेस का वीडियो है। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और हमारे साथ 4 लोग ज्वाइन हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बैठ के मेरी क्लासेस को ले रहे हैं। आप इसको ऑब्जॉर्व कीजिए। आपको भी इस तरह की क्लासेस लेनी है तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं या मुझे कॉल करें। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ सम प्रोजेक्ट्स जो है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो हम आपके साथ आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि हमने फॉर्मूले जो है अब सीखे हैं, तो फॉर्मूले से रिलेटेड हम कुछ छोटे छोटे चीजें आपके साथ आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एक ऑफिशियल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है। क्योंकि हम वीवी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें जो हमने अभी तक एक्सेल सीखा है उसकी यूटिलाइजेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि सीखने से नहीं होता है, उसको अपने ऑफिस आवर ऑफिस में यूटिलाइज करना सबसे बड़ा जरूरत होती है। ठीक है सर, तो चलिए हम आपके सामने कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल पेश करते हैं, दो तीन, क्योंकि आज कुछ लोग आए हैं कुछ लोग नहीं आए हैं। तो देखिए, मेरे पास एक डेटा है, ये आपके सामने डेटा दिख रहा है, दिख रहा है सर? मुझे इस डेटा को हमारे ट्रायल बैलेंस में इस तरह से शो करना है जो आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि मुझे इसमें से पूरा फिल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कोड चाहिए, अकाउंट डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसके बाद सीधे अमाउंट चाहिए और फैसिलिटी चाहिए, राइट सर? क्योंकि मुझे हमारा ये जो है अकाउंट डिटेल्स से लेकर मुझे इसमें से ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए हम कैसे करेंगे, इसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हम इसको लिंक भी करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि लिंक किसे करना चाहते हैं, क्योंकि जब यहाँ चेंज हो तो वहां भी अपने आप को चेंज कर ले। तो लिंक करने के लिए हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इस पे पेस्ट एज ए लिंक कर देते हैं। हालांकि इसको हमने वीवी से किया था, पेस्ट एज ए लिंक कर दिया हमने, और ऐसे ही हमारे अकाउंट डिस्क्रिप्शन से इसको भी कॉपी किया और इसको हमने पेस्ट कर दिया। ये जो चीजें बता रहा हूं, ये मेरी की दिमाग की उपज नहीं है, मैंने मैनुअल नहीं बनाया हुआ है। बेसिकली ये हमारे जो ऑफिस मतलब हमारे क्लाइंट्स हैं उनके प्रॉब्लम्स हैं। तो पेज से लिंक क्या करता है कि लिंक क्रिएट करता है। ऐसे जनरली हम लोग इक्वल प्रेस करके लिंक क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे दिक्कत हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये चीजें किया है। तो ये हमने पेज से लिंक, मैं पेज से लिंक यहाँ से भी कर सकता हूँ, गया। अब मुझे डेबिट और क्रेडिट शो करना है। तो इसमें क्या है कि जो प्लस में जो पॉजिटिव है वो डेबिट में आना चाहिए, जो निगेटिव है जैसे ये निगेटिव है नेगेटिव क्रेडिट में आना चाहिए, बट पॉजिटिव बन गया, जैसे कि नंबर नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए, पॉजिटिव दिखना चाहिए। सो यहां पे हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ हमने इसको सेलेक्ट किया, अगर ए ग्रेटर दैन 0 है तो ए शो करे, अदरवाइज मैंने यहां पे ब्लैंक कर दिया। अब देखिए, और जस्ट इसमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, और इफ में हम क्या करेंगे, इसमें अगर एक ग्रेटर देन नहीं लेस देन 0 हुआ तो एवीएस, हमारे पास एक एवीएस का फॉर्मूला होता है जो निगेटिव को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव करता है बट निगेटिव को पॉजिटिव करता है, क्योंकि मुझे क्रेडिट में नेट अमाउंट को डालना है निगेटिव वाले अमाउंट को लेकिन पॉजिटिव में कन्वर्ट करके। तो हमने यहाँ पे इसको डाल दिया और आप देखिए आपके सामने इसमें 0 नहीं, मैं ब्लैंक कर देता हूँ, हाँ जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं यहां पे आ जाएगा। क्लियर सर? सुनील जी, दीपक जी, कर दी जी क्लाउड सर। में?
हेलो। फोन आ रहा होगा मोटे के। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा प्रोजेक्ट था, चलिए हम एक और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो एक ऐसा ही मुझे पास 5 दिन पहले मुझे यूएई के क्लाइंट है हमारे, उन्होंने मेल किया था, कुछ ही इसी तरह का एक उनके साथ प्रॉब्लम था। चलिए उनकी प्रॉब्लम पे भी हम डिस्कशन करते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम मैंने वीवीए के थ्रू से सॉल्व कर दी थी, लेकिन क्या है सर, वीवीए जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि वीवीए हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, हमारा लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हम एक्सेल रखते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वीवीए वाली फाइल हर किसी के सिस्टम पे नहीं चलेगी, क्योंकि वीवीए बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। तो अब जो क्लासेज आपके होने वाले हैं सर, वो प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग वीवीए होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब कि अभी तक तो मैंने एडवांस एक्सेल मैंने पढ़ाया, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे वीवीए इफेक्टेड होगा। सो प्लीज आप लोग तसल्ली से बैठ पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो बेसिकली मेरे क्लाइंट का कहना है कि उनके पास इस तरह का बैलेंस शीट आता है, समझ गए, मतलब कि जो स्टेटमेंट है पीडीएफ फॉर्म में या नोट पैड के फॉर्म में आता है, उसको कन्वर्ट करने के बाद एक्सेल पे इस तरह का डेटा आता है जो आप सामने दिख रहे हैं। बट इस तरह के डेटा पे वो एनालिसिस नहीं कर पाते, तो उनको डेटा चाहिए कुछ इस तरह से कि सीरियल नंबर, एस लॉग, मटेरियल, लिमिटेड डिस्क्रिप्शंस, अनस्टडेड यूनिट, टोटल वैल्यू। यहाँ पे गलती हो गया, ये नंबर यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं। टोटल वैल्यू सिटी एंड टोटल यूनिट प्लांट। तो बेसिकली क्या है, यहाँ देखिए ये जो आपका एस लॉग है, तो एस लॉग जो ये नंबर्स हैं, इस नंबर के नीचे का नंबर जो एस लॉग में है तो उसको उठा के रखना चाहिए। दूसरा आपके सुपर ए है, ए नंबर है, ये आपका मटेरियल मटेरियल आईडी है, तो यहाँ आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, ये डिस्पैच है, ये यहाँ पे आना चाहिए। फिर यूनिट आपका ए रहा 100, ये यूनिट यहाँ से उठ के आना चाहिए, यहाँ पे यूनिट हाँ यहाँ पे आना चाहिए। ये अनरजिस्टर्ड जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है नो, ये वहां पे जाना चाहिए, गलती कर दी थी मैंने। और दूसरी चीज INR है, यहाँ आना चाहिए। तो कहने मतलब है कि इस तरह से मैनुअल करने में तो काफी टाइम लगेगा, मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूले के थ्रू करो। लेकिन ये कैसे होगा फॉर्मूले के थ्रू, लेकिन यहाँ पे देखिए सिक्वेंस है। सिक्वेंस क्या है कि पहले आपका आईडी है, आईडी वाले कॉलर में आपको जो कस्टमर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर आपकी जो एस लॉग वाली उसके नीचे जस्ट नीचे एस लॉग है, एस लॉग में आपको क्वांटिटी और स्टेशन मिल जाएगी, और फिर उसके नीचे जो आपका ये INR है, तो ये मैंने आपके प्राइस एंड करेंसी मिल जाता है। तो ये एक सिक्वेंस है हमारा, इसी सिक्वेंस को फॉलो करते हुए हम आपके सामने कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रॉब्लम आखिर क्या है। अभी जी समझ में आया क्या है प्रॉब्लम क्या है? हेलो, पता नहीं हम शोर मचा रहे हैं। करण जी समझ में आया आपको प्रॉब्लम क्या है? हाँ प्रॉब्लम समझ आया। और आपको सर अनुपम जी आपको समझ में आया? हाँ सर, जी सर। और सुनील जी आपको समझ में आया? जी जी सर एकदम आया। क्योंकि अभी जैसे इससे पहले की क्लासेस में हमने बताया कि भाई वी लुकअप कैसे लगते हैं, सम इफ कैसे लगते हैं, इफ कैसे लगता है। तो क्या है कि आप ऑफिस में जाएंगे तो आपको काम थोड़ी होगा, आया काम थोड़ी आएगा कि वी लुकअप लगा लो, एच लुकअप लगा लो, बॉस ऐसे थोड़ी भेजेगा आपको। आपको पास तो इसी तरह की लाइफ प्रॉब्लम आएगी ना, अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें आप क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर डॉक्टर अच्छा और खराब कब होता है? डॉक्टर के डॉक्टर कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसके पास प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, मतलब कि बीमारी के सिम्टम्स को देखकर और मेडिसिन को सजेस्ट करना, ये मेन होता है। तो सेम यही पे कि आपने अपनी प्रॉब्लम को समझ लिया, अब इस पे अपने सॉल्यूशन को सपोर्ट करना है। एक सेकंड दीजिएगा सर,
तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे एक कॉलम इंसर्ट करें, ठीक है। अब इस कॉलम में मैं सीरियल नंबर जनरेट करूंगा, तो मैं यहां लगाऊंगा फॉर्मूला कि इफ यहां पे इक्वल, इफ मैनुअल यहां पे इक्वल लिखूंगा कि इफ हमने बोला यहां पे एंड भी लगेगा, ठीक है। एंड हमने बोला कि अगली सेल की वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो और ऊपर वाली सेल की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या करें यहां पे मैंने बोला कि मैक्सिमम, मैक्सिमम का फॉर्मूला निकालें और प्लस वन अदरवाइज ब्लैंक, ठीक है। अब इसमें मैं यहां पे ये जो बी थ्री है इस बी थ्री को फ्रीज कर देता हूं, बी थ्री को। अब क्या करेगा कि जब इसे कॉपी करके देखिए पेस्ट नहीं कुछ हुआ, इसमें नंबर जनरेट कर दिया, तो जितने भी डब्लू फोर डब्लू एम वाले हैं उसका एक सीक्वेंस नंबर जनरेट कर देगा। देखिए कर दिया, कर दिया सर। अब वापस आते हैं अपने डेटा शीट पे जहां पे मुझे फॉर्मूला लगाना है, अब मैं यहां पे फॉर्म यहां पे देता हूं फॉर्मूला, यानी मैनुअल मैनुअल वन दे देता हूं, फिर लिखता हूं कि इफ ऊपर वाली वैल्यू को मैं प्लस वन करने पे क्या वो ग्रेटर देन यहां पे ग्रेटर देन मैक्स, और मैक्स में मैंने बी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अदरवाइज ऐसा हुआ ग्रेटर देन है तो ब्लैंक, अदरवाइज ए टू प्लस वन करके सीक्वेंस को कंटिन्यू कर, मतलब कि जितना इसकी इसमें मैक्सिमम नंबर आया है ना मैं उतना ही सीरियल नंबर जनरेट करना चाहता हूं अपने इस डेटा में। अब नीचे ड्रैग करने पे मुझे पता है कि इसमें एरर आएगा, तो मैंने यहां पे इफ एरर दे दिया ताकि एरर ना आए। अब मुझे पता क्या चला कि एरर आएगा, इसलिए कि मैंने यहां पे ब्लैंक दिया है, तो ब्लैंक इट मींस टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट प्लस वन करेगा उसको एरर मिल जाएगा, समझ गए। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि एरर आने के बाद इसका सोल्यूशन, आपको पता होना चाहिए कि आपका एरर कहां पे आएगा। अब मैं ये हो गया सीरियल नंबर हो गया, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा और ये मैच का फॉर्मूला से मुझे पता करूंगा कि इसके अंदर इसका रो नंबर क्या है इस कॉलम। रो नंबर पता चला कि रो नंबर सेवन है, मतलब कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए सेवन की अगली सेल का वैल्यू, ठीक है। सेवन आया ना, इसकी अगली कॉलम की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं यहां पे इंडेक्स भी लगा सकता हूं, बट मैं यहां इंडेक्स नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मेरा डेटा इंक्रीज होते रहता है, इसलिए तो मैं यहां लगाता हूं फॉर्मूला ऑफसेट का, ऑफसेट, और मैं यहां जाता हूं और मैं अपना स्टार्टिंग ऑफ द डेटा जो है कॉलम में इसको यहां रख देता हूं कॉमा, यहां से सेवन माइनस वन, क्योंकि ऑफसेट हमेशा जीरो से काम करता है इसलिए वन करना पड़ेगा, और कॉलम में हमने वन दे दिया अगले कॉलम में। ये आ गया आपका फोर डब्ल्यू एम एस, दिख गया यहां पे। तो इसमें मैं ए टू सही है हमारा, डब्ल्यू बी वाई बी भी सही रहेगा, ये जो हमारा बी वन है इसको फ्रीज कर देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ मटेरियल डिस्पैच में, यहाँ फ्रीज करता हूँ। मटेरियल आईडी जो है वो क्या है कि वो सेवन यहाँ पे माइनस टू कर देता हूँ, क्योंकि उसे एक रो पहले है ना, तो आ गया। फिर पेस्ट करता हूँ, मुझे चाहिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे तो यहां पे जीरो वन टू थ्री फोर, तो यहां पे माइनस वन मतलब कि बढ़ा देंगे टू
और इसमें हम दे देंगे कॉलम नंबर 4। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दिया, अनडिस्टर्ब्ड है या नहीं है कैसे पता चलेगा? अनडिस्टर्ब्ड के लिए सेम कॉलम में, सेम रो में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर लेना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने 6 कर दिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यूनिट। अब यूनिट देखता हूं कि यूनिट मुझे इसी रो में एक कम है, तो मैं इसमें रो नहीं बढ़ाता हूं, कॉलम यहां पे जैसे 6 था ना, यहां 5 कर देता हूं, तो मुझे यहां पे यूनिट पता चल जाएगा। अब टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या है कि उसके निचले सेल, निचले रो में है, मतलब इससे निचले वाले रो में 0, 1, 2, 3, 4, 5 पांचवे नंबर कॉलम में है। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला पेश करता हूं, इसमें मैं बढ़ा, इसमें जो है रो हमारा ये हटा देता हूं प्लस, क्योंकि और ये हमारा पांचवा नंबर हो जाएगा। अब करेंसी जो है उसी के बगल में है, छठे नंबर में, तो ये जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला रहेगा। इसमें हम 6 कर देंगे, डेटा आ गया सर। यूनिट पर वैल्यू वो आपका ये है, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, ये मेन आया हुआ है। अब मुझे पता है कि जैसे ये अब आपका 22 से 27 से आगे बढ़ेगा या नीचे एरर आ जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इफ एरर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ एरर, इसमें कॉमा हमने इसको दे दिया और इसको भी कर देते हैं। तो करण जी समझ में आया आपको? हेलो, तो VVA स्टार्ट अभी 10-11 क्लासेस में आपका VVA स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आपको इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट करने होंगे ताकि आप ये डिसाइड करने पे एलिजिबल हो जाए कि इस काम को मैं एक्सेल के थ्रू करूं या VVA के थ्रू करूं। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी होता है, क्योंकि VVA का यूज हम करते हैं रिपीटेड जॉब पे, ध्यान रखिएगा। तो VVA से पहले इन चीजों पे आपको पहले परफेक्ट होना पड़ेगा। और मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, सॉरी सारे नंबर मटेरियल नंबर सीक्वेंस में अरेंज होकर आ गए। अब बताइए कि आपको इसमें कहां पे प्रॉब्लम हो रही है। निक्की जी, सुनील जी, सुनील जी, कोई डाउट है आपको कहीं? नहीं सर, नहीं डाउट नहीं। तो अब ये तो मैंने आपको करके दिखाया, फाइल में आपको भेज दूंगा, ठीक है? जी जी सर। इस काम को हम VVA के थ्रू भी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा चीज ये आता है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस की देख लीजिए, जो काम हमने अभी 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 जो आप बताया था आपको किया है ना, उस काम को मैंने VVA प्रोग्रामिंग के थ्रू भी किया हुआ है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, अब इसको इसी चीज को अपडेट करना है यहाँ पे, तो इसके लिए हमने कर देता हूं, मैं इस पे क्लिक करूंगा और कर दिया। बढ़िया सर,
इसके लिए हमने यहाँ पे वीवी प्रोग्रामिंग का यूज किया हुआ है। तो इसमें इसमें दो चीजें हैं, इसमें हम इसके अब इसलिए कंपेयरिंग करते हैं कि हमने जो फॉर्मूले के थ्रू बनाया है और वीवी के थ्रू बना हुआ है उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये मेरा डेटा के साथ लाइव लिंक नहीं है, समझ गया। लेकिन जो हमने बनाया हुआ है वो डेटा के साथ हमारा लाइव लिंक है। अगर डेटा चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ इसकी नेट अमाउंट को माइनस में कर देता हूँ, तो ये एंटर मारते ही हमारी वो डेबिट वाले क्रेडिट वाले सेक्शन में चला जाएगा। पहले बेनिफिट समझे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें मुझे अपडेट करने के लिए पहले डेटा को क्लियर करना पड़ेगा और क्लियर करने के बाद फिर इसको रन करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा ये अपडेट होगा, समझ गए। दूसरी चीज कि इस चीज को इसको यूज करने के लिए हमारा माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल होना चाहिए, और माइक्रो सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होता है हर पीसी में, इसको अनेबल करना पड़ता है, राइट सर। तो अगर मान लीजिए फाइल में किसी को भेजा और उसके माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। दूसरी ये फीचर्स जो है आपके इंटरनेट वाले वेब जो वर्जन होते हैं एक्सेल के, उस पर वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये फीचर्स पे वर्क कर जाएगा। तो वीवी इस्तेमाल करने से पहले हमें इसके बारे में सोचना होता है, उसके हिसाब से इस्तेमाल करना होता है, ठीक है सर। चलिए अब ये तो हो गई, मैंने बताया। अब मेरे पास एक और काम आया हुआ है जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूं। अब आप अपने ईमेल आईडी देख लीजिएगा, आपका हो गया विक्की जायसवाल, ये ना सर। यस सर। और सुनील जी आपकी क्या ईमेल आईडी है? सुनील के सुमन। सुनील के सुमन। ये फाइल में आपको मेल की है, राइट सर? जी सर। फाइल में क्या देखिए, बेसिकली एक हमारे अभी क्लाइंट है पर्सन जिन्होंने मेल किया है, तो इनका क्या है प्रॉब्लम कि ये अप्रेजल जो है ना, अभी अप्रेजल होने वाला है, प्रमोशन होने वाले हैं सबके, तो अप्रेजल की फाइल है, इस पे आपको काम करना है। आगे मैं पढ़ाता भी, लेकिन दो तीन लोग नहीं आए और इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। देखिए ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपके लिए बेनिफिट है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे नाम है, यहाँ पे डेजिग्नेशन है, यहाँ पे रेटिंग है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट परसेंटेज को देना है। तो एक कहना है कि यहाँ पे डेजिग्नेशन अप टू डीएम जो है उनको जो है, अगर स्कोर 1 है तो 0%, 2 है तो 3%, 4 है तो 4%, 4 है तो 5%, 5 है तो 6% देना है, समझ गए। अच्छा जी जी, ये अप टू जीएम दिया, यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया हुआ है। अगर एमजीआर टू सीनियर जीएम है उनका ए स्लैब देना है, इस रेटिंग पे, रेटिंग ऊपर दिया हुआ है। एबीपी एंड अबव है तो उनको जो है ए स्लैब देना है। अब यहाँ पे आपको इस इंक्रीमेंट परसेंटेज को यहाँ पे रखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, समझ गए, क्लियर है? क्लियर है, प्रॉब्लम क्लियर है? तो ये बना के बैठिए, बनाइए और मुझे मेल कीजिए, फिर हम आपकी प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कल इसी चीज पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके सर, तो कल टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, मिलते हैं इसी टाइम पे के, बाय, गुड नाइट।